तो आज की क्लास में हम लोगों को देखना है फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल वायर्स। अब पैरेलल वायर्स जब कभी भी होंगे तो हमारे पास दो ही केस बनता है, या तो दोनों वायर में करंट एक दिशा में जा रहा होगा या दोनों वायर में करंट अलग अलग दिशा में जा रहा होगा। तो इसके अंदर आप लिखिए केस वन, राइट द फर्स्ट केस। हम लोग को क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। और ये फोर्स इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली आगे चल के हम लोग को क्या देखना है, जनरेटर देखना है। जनरेटर के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में उसके अंदर क्या पैदा होता है, करंट। इसका उल्टा भी कर रहे हैं, सर वायर में क्या जा रहा है, करंट जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। जबकि उसमें क्या करते हैं, जनरेटर में आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो उसमें क्या पैदा होता है, करंट। तो आपस में इंटर रिलेशन है, तो आगे चल के EMI बोल के चैप्टर है, वहां पे इंटर रिलेशन देख लेंगे कि इसको उसमें बदल सकते हैं उसको इसमें। लेकिन ये पहले ये तो कंफर्म हो जाए कि फोर्स और करंट में रिलेशनशिप है, तो बहुत सारा हम लोग निकाल लिया। अब करंट कैरिंग वायर में जो भी आपस में पैरेलल है उसके लिए निकालना है। देखिए केस वन, टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर, टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर, टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर, पैरेलल कंडक्टर इन सेम डायरेक्शन। तो करंट जो है वो किसमें है, सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, कंडक्टर कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, कंडक्टर कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन। कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, लिखिए आगे, कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, दोनों का करंट का डायरेक्शन कैसा है, सेम। लिखिए आगे, लेट देयर बी टू कंडक्टर्स, लेट देयर बी टू कंडक्टर्स कैरिंग करंट I1 एंड I2, लेट देयर बी टू कंडक्टर्स कैरिंग करंट I1 एंड I2 एट d डिस्टेंस अपार्ट, कितनी दूरी पर, d डिस्टेंस अपार्ट, आपस में दोनों की दूरी d है। तो दो वायर हैं जिस पर करंट I1 और I2 और दोनों के ऊपर देश, डन, द करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, फुल स्टॉप। जो I1 है उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ उसको B1 कह रहे हैं, B1 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आई वन, और B2 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I2। देखिए ये आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिसमें करंट एक में कितना फ्लो कर रहा है, I1 फ्लो कर रहा है, और ठीक उसी के बगल में एक और इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिसमें करंट क्या फ्लो कर रहा है, I2 फ्लो कर रहा है। राइट हैंड थंब रूल, करंट फ्लोइंग ऐसा घूमेगा तो एक इस तरह का वहां पर फील्ड पैदा होगा। सिमिलरली यहां पे भी सेम, इसमें भी फील्ड ऐसे पैदा हो जाए, तो दोनों का फील्ड आपका क्या हुआ, ऐसे पैदा हुआ, पर एक्चुअली फील्ड ऐसे पैदा हो नहीं रहा, फील्ड पैदा हो रहा है सर्कुलर नेचर का, मतलब सेंट्रीपिटल नहीं है ये, सर्कुलर है। और सर्कल भी कैसा है पता है, थोड़ा ज़्यादा दूर बना दिया, मतलब मैं 3D, ये तो ऐसे होगा ना प्लेन, तो मतलब जो फील्ड होगा वो तो इस प्लेन में आएगा ना ऐसे, लेकिन बोर्ड पर तो मैं कैसे बनाऊंगा, वैसे ही बनाऊंगा, तो वही है। अब यहाँ समझ नहीं आ रहा कैसे बनेगा एलिप्स के, देखें एक बार बना के, हाँ कुछ हद तक लग रहा है,
ठीक है, इलिप्स से बना देते हैं। तो ये लाठी, ये ऐसा एक फील्ड यहाँ बना है जो कि ये जो फील्ड है ये B1 फील्ड है, जो कि किसकी वजह से है, I1 के वजह से। डायरेक्शन बताता हूँ अभी मैं, अभी जो फील्ड बना रहे हैं वो बिकॉज ऑफ I2 है, जो कि ये B2 है, जो कि किसके वजह से बना है, ये B2 है जो कि I2 के वजह से बना है। ये डायग्राम खास करके जो उसमें देखने वाली चीज है कि इसका फील्ड कहां जाके टच हुआ है उसमें, और उसका फील्ड कहां के टच हुआ है। मैं उतने देर से इसी बात के लिए मेहनत कर रहा था, नहीं तो बना तो मैं हाथ से भी सकता था, पर ये बात के लिए ही उतनी देर से मेहनत कर रहा था। इसको थोड़ा आप अच्छे से बनाइए, और ये चीज का ध्यान अभी आप लोग भी रखिएगा कि ऐसा ही होना चाहिए। अब रह गई बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन निकाल लेते हैं। इनसाइड द बोर्ड यानी यहाँ पर ये ऐसे बाहर की ओर निकलता हुआ दिखाई देगा इस जगह पर, और ये भी बाहर की ओर या ऐसे यहाँ पर अंदर जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये फोटो बना लीजिए। कोई डाउट? अब B1 कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड बोलिए, B1 कितना होगा। B1 लास्ट क्लास में पढ़ाए थे म्यू नॉट अपॉन फोर पाई ट्वाइस ऑफ आई वन बाई डी होगा, लास्ट क्लास पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से जो इन फील्ड है वो कितना होता है दिस मच, और B2 कितना होगा, B2 विल बी सेम म्यू नॉट बाई फोर पाई, बस यहां पे ट्वाइस ऑफ आई टू बाई क्या हो जाएगा डी। लिख दीजिए, बस एक बात और लिखिएगा यहां पे, द बी वन एंड बी टू आर परपेंडिकुलर टू दी करेंट कैरिंग कंडक्टर, प्लेन परपेंडिकुलर टू दी करेंट कैरिंग कंडक्टर। बी वन एंड बी टू आर दी प्लेन, B1 and B2 are the magnetic field present on the plane perpendicular to the current carrying conductor. अब राइट, यहां तक हो गया, B1, B2 लिख लिए। अब आगे लिखिए, A current carrying conductor of length L placed at right angle to magnetic field experiences a force F is equal to BIL, force BIL के बराबर पढ़े थे हम लोग, force bill और bill sin theta, force bill actually bill sin theta है, और bill sin theta में जो 90 degree हो रहा है तो वो 1 हो जाएगा, इसलिए bill। यहां तक कोई डाउट? अब इस पर हम लोग को क्या निकालना है, फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा रूल यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। अब आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अगर देखिएगा तो मदर फादर चाइल्ड मोशन फील्ड करंट, आप मोशन निकालना चाहते हैं यानी फोर्स निकालना चाहते हैं, फील्ड और करंट, करंट ऐसा कर दीजिए, करंट तो ऐसा है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड कहां है, करंट ऊपर जा रहा है ना जी, ये वाला करंट है ना मेरा लेफ्ट हैंड टूटा हुआ है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मेरे को, पर आप लोग करिएगा हो जाएगा। ये करंट है। अब आपको फील्ड सेट करना है, फील्ड किधर है, फील्ड यहां थोड़े है जी, फील्ड तो ऐसे है ना, तो फील्ड माने यहां से अंदर जा रहा है और यहां से बाहर निकल रहा है, तो हमको किस जगह पर फील्ड देखना है, हमको आई वन के जगह से आई टू पर फील्ड देखना है, तो फील्ड कहां हो गया, अंदर अगर होगा तो फोर्स कहां लगा, इधर। सिमिलरली इसके वजह से देखिएगा तो सेम करंट इधर, बट इसका जो फील्ड होगा यहां पर क्या होगा, बाहर आ रहा होगा तो इधर आ जाते हैं, तब हो पाएगा मेरे से। ये आपका हो गया करंट, फील्ड इधर, फील्ड किधर है,
ऐसे अंदर की ओर, तो करंट कहां लगेगा? इस तरफ। नहीं हुआ? अरे I2 ऐसे करंट है ना जी, और ये जो फील्ड है ये अंदर नहीं जा रहा, देखिए अंदर जा रहा है, ऐसे अंदर गया तो करंट कहां लगा? ऐसे लगा ना, तो करंट इधर लगेगा, उस पर कहां लगेगा? इधर लगेगा। इस हिसाब से दो करंट की वैल्यू, दो करंट की वैल्यू आप यहां पर दिखाएंगे, इसके ऊपर करंट लगेगा F1 और इसके ऊपर करंट लगेगा F2। निकाल लीजिएगा, तुरंत से निकल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप उसको निकाल नहीं पाएंगे। यहां पर फील्ड ऐसे देखिए, करंट यहां पे फील्ड क्या है इस पॉइंट पे, आप फील्ड का डायरेक्शन देखिए, यहां पर फील्ड बाहर की ओर है, बाहर मतलब क्या? टुवर्ड्स द बोर्ड। अब है ये 3D चीज, लेकिन बना किस में रहे? 2D में। तो ये फील्ड आपका इधर है, लेफ्ट हैंड से सेट कीजिए ना, ऐसे हो रहा है, मेरा हाथ टूटा हुआ, थोड़ा दिक्कत है। ये करंट है, ये फील्ड है, फोर्स कहां लग रहा है? तो फोर्स कहां लगा? सिमिलरली इसका जो फील्ड है वो कहां पर है? इसका फील्ड ऐसे B2 उधर गया हुआ है, अगर ऐसे फील्ड है, इसको देख लीजिए, करंट इधर और फील्ड इधर, फोर्स कहां लगा? इस तरफ। तो दोनों में फोर्स कहां लग रहा है? एक दूसरे के तरफ, एक दूसरे में। और बराबर अगर मैग्नीट्यूड होगा तो आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। क्यों? क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है। तो खैर वो सब हम लोग को नहीं देखना, हम लोग को आगे लिखिए। देयरफॉर ये फोर्स का डायरेक्शन समझ में आया ना, हाउ वी हैव यूज दिस डायरेक्शन, हाउ वी हैव फाउंड आउट दिस डायरेक्शन, बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। तो ये बात को लिख लीजिएगा, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी फाउंड आउट, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो अब यहां थोड़ा ध्यान से देखिए, ये हमारा फोर्स है, पर ये जो फोर्स है ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। F1 या F2 जो भी आप लिखिएगा उसको आप क्या लिख सकते हैं? F बाई L लिख सकते हैं ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ। लिखिए F1 इज द फोर्स, F1 या F2 इज द फोर्स, F1 या F2 इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर पर यूनिट लेंथ, बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। और ये एक छोटी सी गलती हो गई, इसको सुधारिए, यहां B2 लिखिए और यहां B1 लिखिए। कहिएगा क्यों? इसके वजह से इस पर मैग्नेटिक फील्ड इधर और इसके वजह से इस पर मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूं ताकि आपको लगे कि ये दोनों सेम है, इसके वजह से ये वाला और इसके वजह से ये वाला। ठीक है, अभी देखिए, अब यहां तक आप समझ में आ गया, आगे लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो फोर्स आया है F2 वो किसके बराबर हो गया? फोर्स पर यूनिट लेंथ जो कि B1 I2 के बराबर होगा, बिल होता है ना, बिल, तो BIL को नीचे ले आए। F2 हमारा किसके बराबर हो गया? B1 I2 के बराबर हो गया कि नहीं हुआ? अब देखिए F2 इज इक्वल टू, B1 क्या लिखे थे? म्यू नॉट बाई 4π 2I1 बाई D इंटू I2। F2 क्या निकल के आ गया? म्यू नॉट बाई 4π ट्वाइस ऑफ I1 I2 बाई D। यहाँ पे क्या निकल के आ गया? फोर्स निकल के आ गया, फोर्स 2। सिमिलरली यहीं पे बगल में अगर चाहेंगे तो फोर्स 1 का भी डेरिवेशन कर सकते हैं। फोर्स 1 क्या होगा? फोर्स 1 होगा F1 इज इक्वल टू अगेन F/L विच इज इक्वल टू B2 इंटू I1। F1 इज इक्वल टू B2 इंटू I1, दैट इज F1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π ट्वाइस ऑफ I2 बाई D इंटू I1, और F1 इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4π ट्वाइस ऑफ
I1 I2 by D, सेम और डिफरेंट? सेम है, दोनों का एक्सप्रेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का एक्सप्रेशन सेम, फोर्स वन और फोर्स टू आपका निकल के आ गया। और यहां से पता चला सिंस F1 एंड F2, सिंस F1 एंड F2, ये यहां तक कर लिए ना, इसके लिखिए सिंस F1 एंड F2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, देयरफोर दीज फोर्सेस पुल द कंडक्टर टुवर्ड्स ईच अदर, दीज फोर्सेस पुल द कंडक्टर टुवर्ड्स ईच अदर, पुल द कंडक्टर टुवर्ड्स ईच अदर, दीज फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, देयरफोर दीज फोर्सेस पुल द कंडक्टर टुवर्ड्स ईच अदर। और पुल अगर कर रहा है दोनों कंडक्टर, इसका मतलब कौन सा फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। देयरफोर वी कैन कंक्लूड दैट, देयरफोर वी कैन कंक्लूड दैट टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट, देयरफोर वी कैन कंक्लूड दैट टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर, इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर। दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या करेगा? करंट कंडक्टर इन सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर। करंट कैरिंग कंडक्टर अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहे हैं तो दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। समझ में आ गया? और दिख भी रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, देखिए दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। सिमिलरली हम लोग का केस किस में चलना है? टू में। केस टू क्या था? सेम वायर है, सेम पैरेलल वायर्स है, बट दिस टाइम द करंट आर फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। वहां पे सेम डायरेक्शन में था, इस बार अपोजिट। तो सेकंड हेडिंग डालिए, राइट, केस टू, टू इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट, टू इनफाइनाइट, टू इनफाइनाइट इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। मैं काम कर सकता हूं क्या? देखिए तो इस फोटो को क्या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं? ऐसे करके अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूं, कॉपी हो जाएगा? कॉपी हो गया, उसमें लाके पेस्ट कर दें, हो जाएगा पेस्ट? चलिए कोई बात नहीं, फिर से बना लेता हूँ, होता तो होगा ही, अब मुझे उसकी जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। ये वाला कौन है? अच्छा ठीक है, कुछ भी नहीं को सेलेक्ट कर लें। चलिए कोई नहीं, हम दोबारा बना लेते हैं। इस बार क्या है, ये आपका करंट अगर मान लीजिए इधर I1 जा रहा है, तो दूसरा वाला जो वायर है उसमें करंट किधर है? I2 है। अब करंट I1 I2 इस बार अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से क्या होगा? जो इस बार का मैग्नेटिक फील्ड है, इस बार का मैग्नेटिक फील्ड है, इसका तो अंदर की ओर जा रहा होगा, इसका कहां जा रहा होगा? अंदर की ओर जा रहा होगा, इसका बाहर की ओर आ रहा होगा, इसका कहां आ रहा होगा? बाहर की ओर आ रहा होगा।
इसका बाहर की ओर आ रहा होगा, ठीक है। डायरेक्शन दे दीजिए, इसका गोइंग इनसाइड यानी यहां पर कहां जा रहा है, अभी भी अंदर की ओर ही जा रहा है, इस तरफ ही जा रहा है। तो ये तो आपका आ गया बी वन वैक्टर, और दूसरा वाले का जो है ये ऐसे, तो यहां से ये कहां जा रहा होगा, अंदर जा रहा होगा। तो इसमें भी देख लीजिए ये कहां जा रहा है, अंदर। यहां पे इसको थोड़ा चेक करिए, यहां पे भी अंदर ही जाएगा शायद, हाँ। यहां पे भी कहां जाएगा, अंदर ही जाएगा। तो यहां देखिए, हाँ, ये ऐसे है ना, ऐसे ऐसे अंदर जा रहा होगा, इस पॉइंट पे भी अंदर, और यहां पे करंट जो है ये ऐसे घूम रहा है, तो यहां से भी उधर जा रहा होगा, ठीक है। अब ये आ गया, अब बस हम लोग को यहां पे फ्लेमिंग का रूल लगा देना है। आई वन आई टू में तो परिवर्तन नहीं, माने आई वन आई टू और ये तो फोर्सेस, बस फोर्सेस निकाल लेना है, मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी वन वेक्टर क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई ट्वाइस ऑफ आई वन बाई, इनके बीच की दूरी कितनी ले रहे हैं, डी ले रहे हैं, तो ये तो डी ही होगा, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। और बी टू भी क्या होगा, बी टू होगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई ट्वाइस ऑफ आई टू बाई डी, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब फोर्स F इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, बी आई एल के बराबर। तो यहां पे F1 हो कि F2 हो, F1 हो कि F2 हो, F1 भी क्या होगा F बाई एल के बराबर, जो कि किसके बराबर होगा, B1 वन इंटू नहीं बी टू इंटू आई वन, बी टू इंटू आई वन। और जो F2 होगा वो क्या होगा, F2 विल बी B, अगले पेज में ले लेता हूँ, F2 जो होगा वो क्या होगा, सेम F बाई एल दैट इज इक्वल टू बी टू इंटू आई वन के बराबर, है ना। सही लिखे गलती लिखे, बी वन इंटू आई टू, बी वन इंटू आई टू, बी वन इंटू आई टू, और इसको भी ये भी क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया। ये क्या होगा, F1 वन इज इक्वल टू बी वन इंटू आई टू, ठीक लिखें, चेंज से करंट सेम रहना चाहिए, बी टू इंटू आई वन। अब बस यहाँ पे आप वो लगा लीजिए, लेफ्ट हैंड रूल लगा लीजिए, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स कहाँ लग रहा है, बाहर। तो इस पर फोर्स कहाँ लग गया, इस पर फोर्स लग गया बाहर की ओर, तो इधर लगा F1, इस पर आइए, करंट ऐसे गया और फील्ड अंदर की ओर। देखिए करंट ऐसे, फील्ड ऐसे, कहाँ जाएगा, इस तरफ। तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर की ओर, यानी जब करंट, हाँ उसको फील्ड को इधर करो, अंदर बोर्ड के अंदर, करंट बाहर, फोर्स बाहर, और इसको भी करके देख लो, ये तो गोली क्या मार रहा है, गोली की आंखियों से गोली मार, ये गोली मार रहा है ऐसे, डिस्टर्ब, अरे गोली नहीं मारना, ऐसे करके देखना है। करंट का डायरेक्शन पहले सेट करो, ये वाला फिंगर करंट है, मिडिल फिंगर, तो मिडिल फिंगर को पहले सेट करो। तो तुम्हारा सेट किसके लिए कर रहे हो, इसके लिए कि उसके लिए, तो करंट कहां जा रहा है, नीचे आ रहा, तो नीचे ना करोगे, हाँ करंट नीचे, ऐसे ऐसे क्या कर रहा है यार, गोली चला रहा है, अरे करंट ऐसे करो, करंट ये हुआ, और फील्ड कहां है, देखो फील्ड अंदर है, तो फोर्स कहां लगा, अरे ससुरा इसको टाइट रखना यार, अरे ऐसे, हाँ फोर्स कहां लग रहा है, ये गोली क्या तुम चला दे रहा है, ये पूरा ऐसे कर रहा है, गोली करके ऐसे ऐसे कर रहा है, अरे तुम गोली क्या चला रहे हो यार, अखियों से गोली मार रहे हो, अजब है ये तो। फिर भी ठीक है, एगो बच्चा तो ऐसे कर रहा था, वो तो बाकी उंगली को अंदर रख दिया, बस एक ही को दिखा रहा था, अरे आप ऐसे खोल रहे हैं, वो गोली मार रहा है, गोली नहीं ना मारता है। तो यहां से क्या समझ में आया, देखिए यहां से एक बात और समझ में आ गई कि जो फोर्सेस हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहां पर इक्वल एंड अपोजिट यहां पर भी है, लेकिन यहां पर एक दूसरे को तार क्या करेगा, रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, और वहां पे क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। बस यही हम लोगों को सीखना था यहां से,
कि जब दो वायर सेम डायरेक्शन में होता है तो करंट क्या होता है? बस अब इसका F1 F2 निकाल लीजिए, एक साइड लिख लीजिए F1, इस साइड का तो F1 था, इधर जो लग रहा है F1 और उधर जो लग रहा है F2, F1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? B2 into I1, B2 के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ I2 बाई D into I1, F1 कितना आ गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2 बाई D, और सिमिलरली F2 भी यही निकाल लीजिए, F2 इज इक्वल टू B1 into I2, F2 इज इक्वल टू B1 कितना? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 बाई D into I2, और F2 आपका निकल के आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2 बाई D। ध्यान से देखिएगा तो आपको एक चीज कंफर्म दिखाई देगा कि दोनों F1 F2 का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, दिख रहा है? दोनों F1 F2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन क्या है? आपस में एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो बस इसके नीचे दो लाइनें ऐड कर दीजिए, राइट? बोथ दी फोर्सेज F1 एंड F2। अच्छा, ये डायरेक्शन हमने कैसे निकाला वो तो बता दिया ना, बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स। बोथ दी फोर्सेज F1 एंड F2 आर इक्वल एंड अपोजिट, बोथ दी फोर्सेस F1 एंड F2 आर इक्वल एंड अपोजिट एंड आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ईच अदर, आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ईच अदर, आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ईच अदर, देयरफॉर बोथ दी वायर्स रिपेल ईच अदर, देयरफॉर बोथ दी वायर्स रिपेल ईच अदर, therefore both the wires repel each other, done। यहां पे आपका मैग्नेटिक फोर्स जो दो कोएक्सियल वायर के ऊपर एग्जिस्ट करता था वो भी क्या हो गया? खत्म हो गया। बस इतना ही याद रखना है। अच्छा, इसमें कुछ स्पेशल केसेस क्या होंगे? दोनों I1 I2 क्या हो जाए? सेम हो जाए भाई। I1 और I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम आई हो गया। अब इसमें वैल्यू कुछ दे देगा नहीं, निकाल लेंगे क्या भाई? फोर्स निकालो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो 10^-7 होता है, 2 पता ही है, दोनों तार के बीच का डिस्टेंस दे दे और करंट का दोनों वैल्यू दे दे। सिंपल न्यूमेरिकल अगर आएगा तो कर लेंगे, और ज्यादा टफ इस पे आएगा नहीं क्योंकि इसके ऊपर ऐसा कोई सवाल बनता नहीं, फिर भी एक सवाल लिख लीजिए, राइट। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर, और रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर, और रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर कैरिंग अ करेंट एंड 10 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेक्टेंगल है तो लेंथ ब्रेथ होगा 25 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कैरिंग करंट ऑफ 15 एम्पेयर कैरिंग करंट रेक्टेंगुलर लूप का साइड पे होगा, बता रहा हूं। रेक्टेंगल है, देखिए ऐसा, ये मान लीजिए यहां पे कोई एक ऐसे रेक्टेंगल है, तो इसमें एक साइड ये होगा ना जी 25, और एक साइड होगा ना 10, यही बता रहा है कि एक रेक्टेंगुलर लूप है उसमें एक साइड 10 सेंटीमीटर का है, एक साइड 5 सेंटीमीटर। इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? 15 एम्पेयर, कितना करंट? 15 एम्पेयर, और कैसे फ्लो कर रहा है वो भी देख लीजिए कि करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, वो भी कितना एम्पेयर? 15 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है, डन। अब आगे लिखिए, राइट, इज प्लेस्ड विथ इट्स लॉन्गर साइड पैरेलल टू, इज प्लेस्ड विथ, इज प्लेस्ड विथ
इट्स लॉन्गर साइड पैरेलल टू लॉन्ग कंडक्टर प्लेस्ड विथ लॉन्गर साइड पैरेलल टू लॉन्ग कंडक्टर, जैसे ही लॉन्ग कंडक्टर बोला मतलब इनफाइनाइट कंडक्टर, लॉन्ग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ 2 सेंटीमीटर अपार्ट। आपस में दोनों वायर की दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। एक दूसरा वायर है जो यहां से कितनी दूरी पर रखा हुआ है, ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। और इसमें जो करंट है वो 25 एम्पेयर है। इसमें जो करंट है वो कितना है? 25 एम्पेयर। कैरिंग अ करंट 25 एम्पेयर, करंट ऑफ 25 एम्पेयर। आपसे पूछा है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन लूप, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन लूप। नहीं, सेंटीमीटर में ही रख के आप लास्ट में चेंज कर दीजिएगा, इसमें तो बहुत सारा बुद्धि लगाना होगा ना, तो बुद्धि लगाइए पहले। F1 F2 निकाल दीजिए और दोनों को घटा जोड़ कर दीजिए। हाँ, घटाना पड़ेगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है? सेम है ना। अरे भी इधर जा रहा है, भी इधर जा रहा है, सेम डायरेक्शन हुआ ना। अपोजिट तो होता कि ये इधर जा रहा होता, वो उधर जा रहा होता। तो फोर्स निकाल लीजिए, F1 और F2 निकाल लीजिए। फोर्स पर यूनिट लेंथ से ही ना F1 निकलेगा। F/L किए थे ना, नहीं याद है? तो आपको रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर देखना है। देखिए बाबू, यहां से थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इतना सरल मत सोचिए जो सवाल आप सोच रहे हैं। इस वायर की वजह से इसके ऊपर किधर फोर्स लगेगा? ये दोनों सेम डायरेक्शन, तो ये इसको अपनी ओर क्या कर रहा होगा? खींच रहा होगा। और इस वायर के ऊपर इसके ऊपर क्या हो रहा होगा? आपसे पूछा है ना, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द लूप। इसको मान लीजिए F1, इसको मान लीजिए F2। F नेट कितना निकल के आएगा? F नेट आएगा F1 फोर्स माइनस F2 फोर्स। अब F1 और F2 हमारा निकालना काम है। F1 कितना होगा देखिए, F1 होगा B2 इंटू I1, चाहे आप लिखिए म्यू नॉट अपॉन 4π ट्वाइस ऑफ I1 I2 बाई D F1 म्यू नॉट अपॉन 4π 10⁻⁷ ट्वाइस ऑफ I1 एक में 15 एक में 25 डिवाइडेड बाई, अब दूरी मात्र 2 सेंटीमीटर है, 2 × 10⁻²। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका क्या निकल के आएगा? F1 निकल के आएगा। देखिए कितना आ रहा है F1 आ रहा है 9.375 इंटू 10⁻⁴। और ये F1 है तो इसको लेंथ से भी मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि F1 है, F1 इक्वल टू फोर्स बाई लेंथ। तो फोर्स कितना निकालेंगे, तो इसको L से मल्टीप्लाई करना होगा। L कितना दिया हुआ है? L दिया है एक का 10 और दूसरे का, ये तो साइड कौन सा है? 25 सेंटीमीटर वाला साइड है ना। अरे साइड कितना दिया हुआ था? दिस इज 25 सेंटीमीटर। तो लेंथ दिया हुआ है 25 × 10⁻²। इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आता है 9.375 × 10⁻⁴ newton एंड दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में, इसलिए कौन सा फोर्स है? अट्रैक्टिव है। ये आपका निकला 0.1। अब आप आइए किस में? F2 निकाल लेंगे। तो F2 क्या होगा? F2 इज इक्वल टू होगा B1 × I2। F2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन फोर पाई F2 हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4π ट्वाइस ऑफ I1 I2 बाई D F2 म्यू नॉट हो गया 10⁻⁷ इंटू ट्वाइस ऑफ I1 I2, तो अभी भी 15 और 25 ही होगा,
इस बार डी थोड़ा सोच के रखना होगा। डी कितना होगा? एक तो ये 10 और उधर 12, तो ये 10 और 2 12, तो इस बार यह आ जाएगा 12 इंटू 10 एस पा माइनस 2 इंटू 25 इंटू 10 एस पा माइनस 2 एफ 2। समझ में आया ना? अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यार रहा है 7.813 इंटू 10 एस पा माइनस 4 न्यूटन, और ये कैसा फोर्स है? रिपल्सिव फोर्स है। तो आपका जो एफ नेट है वो क्या हो जाएगा? एफ नेट, नेट फोर्स ऑन द लूप, किसके ऊपर? लूप के ऊपर, दैट इज इक्वल टू एफ वन वेक्टर माइनस एफ टू वेक्टर। तो वेक्टर को तो ऑलरेडी कंसीडर कर लिए, तो सीधे मैग्नीट्यूड लिख दीजिए 9.375 इंटू 10 रेस पावर माइनस 4 माइनस 7.813 इंटू 10 रेस पावर माइनस 4। इन दोनों को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा? 1.562 इंटू 10 रेस पावर माइनस 4, और ये अट्रैक्टिव आएगा ओवरऑल। ओवरऑल फोर्स कैसा हो गया? अट्रैक्टिव नेचर का हो गया, इतना न्यूटन, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसा क्वेश्चन पूछता है? अच्छा, कुछ कुछ सवाल में क्या करता है, इस सवाल में आपको क्या कर दिया, ये डिस्टेंस दे दिया था 2 सेंटीमीटर, बाकी में कहीं फोर्स दे देगा आपसे, डिस्टेंस पूछ लेगा, वो भी निकाल लेंगे। ज्यादातर सवाल इसी टाइप का आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। यहां पे जाके आपका फोर्स भी खत्म हो गया। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसका नाम है टॉर्क। अब हम लोग टॉर्क पढ़ रहे हैं, पहले फोर्स पढ़ लिए। फोर्स जब थोड़ी दूरी पर होगा सेंट्रल लाइन से तो उस पर क्या लगने लग जाएगा? टॉर्क। अब देखिए धीरे धीरे आपको कहां लेकर जा रहा है, मोटर जनरेटर की तरफ लेकर जा रहा है, स्लोली ग्रेजुअली। और एक टॉपिक वाइज टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा कि अच्छा अभी फोर्स निकलवा लिया, पहले पता कर लिया अट्रैक्टिव है रिपल्सिव है, फिर उसका धीरे धीरे हम लोग को टॉर्क निकलवा रहा है, टॉर्क निकलवाने के अगले चैप्टर में मोटर और जनरेटर पढ़ा देगा। एकदम सीक्वेंशियली आपको वहां तक लेके जा रहा है। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, और टॉर्क के बाद एक लास्ट टॉपिक आता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। अगर मेरे वीडियोस आपका लगातार से देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।